अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। इस वक्त जैसा कि पहले ही से प्रेडिक्शन थी मेट डिपार्टमेंट की कि बर्फबारी 24 तारीख से होगी, और वैसे ही एज़ पर प्रेडिक्शंस बिल्कुल बर्फबारी हो रही है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल बोनियार तहसील में, एक बालाई इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और सुबह से ही यहाँ बारिश थी। बारिश के बाद तुरंत यहाँ पे अभी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, जो दर्ज हरारत है वो मनफी हो रही है, और साथ में बर्फ़ की वजह से लोग घरों के अंदर सिकड़ के रह गए। लेकिन बारिश की वजह से सुबह लोग घर से निकले थे, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी से घर से बाहर आ रहे हैं, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई बाज़ार में आ रहा है, क्योंकि अभी लोगों ने अपनी जो विंटर की जो अशियाज थी, जो ज़रूरत थी, जो बेसिक नीड्स थी, वो उन्होंने मुहैया नहीं की, उन्होंने घर में नहीं रखी, इसी वजह से लोग घरों से बाहर हैं। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे स्कूल भी आए थे, स्कूल भी गए हैं, और इसकी वजह से जो दर्ज हरारत है काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो। और जैसा देखेंगे आपके लोगों सर्दी से बचने के लिए काफ़ी गर्म कपड़े पहने हुए हैं, जैकेट फहरन वगैरह, और इसके साथ साथ एक आपको बताते चले कि यहाँ इंस्पेक्शन हुई जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को लेकर काफ़ी जो मास्क वगैरह का था, जो लोग मास्क नहीं पहनते थे, मास्क का भी उसको एक इंस्पेक्शन टीम ने आज चंदनवाड़ी मार्केट का दौरा किया, बोनियार का दौरा किया, और ये सारे चीज़ों को लोगों को ये एक कहा कि इस ठंड के मौसम में खुद को सेफ रखें, डिस्टेंस रखें, मास्क वगैरह भी पहन के रखें, और सर्दी से बचने के लिए घर से बगैर किसी जरूरत के बाहर ना आएं। अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि सर्दी की वजह से काफ़ी बीमारियां लाहक होने के इम्कान होते हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन, इस वक्त बिल्कुल अपडेट है आप मौसम पे, और बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ, जो मौसम के बाकी अपडेट्स भी बनेंगे। हम कश्मीर क्राउन के लिए कैमरामैन मलिक दानिश के साथ बोनियार से, मैं जावेद मजीद। रहबर एजुकेशन फेयर अब आपके शहर बारामूला में। शिमाली कश्मीर में पहली बार तालीम को बढ़ावा देने के लिए 25 और 26 नवंबर को एक एजुकेशन सेमिनार मुनक्किद होने जा रहा है। हमारे जरिए आप मौके पर ही एडमिशन्स हासिल कर सकते हैं। मुल्क के साथ साथ बीरून ममालिक में भी आप एडमिशन्स के लिए दाखिला कर सकते हैं। तो याद रखिए, 25 और 26 नवंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप तशरीफ़ ले आ सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे साथ राबता कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबरात हैं 7006-115041, 7006-951581, 7006-261866। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बारामूला नॉर्थ कश्मीर में एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप इवेंट होने जा रहा है, जिसे रहबर ट्रस्ट स्पॉन्सर कर रहा है, जो 25 और 26 नवंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें इंडिया और अब्रॉड के बहुत सारे कॉलेज ने हिस्सा लिया है। आप सबसे गुजारिश है, आके इस इवेंट को सक्सेसफुल करें। सो कम एंड जॉइन द बिगेस्ट एजुकेशन फेयर ऑफ नॉर्थ कश्मीर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल नबी, DDC कैंडिडेट टंगमर्ग। आओ इकट्ठे मिलके आज जंग लड़ें, गरीबी के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़, सोशल इवल्स के ख़िलाफ़। आप और हम मिलके चलें, तभी हम अपनी मंजिल पा सकते हैं, जिस मंजिल का ख्वाब हमने देखा, आपने देखा, हमारे जो आने वाले जनरेशन है, हमने उनके लिए देखा। लैपटॉप आपके सामने है, वही तरक्की की निशानी है। लैपटॉप का बटन दबाइए और इकबाल नबी को जिताइए। At the conclusion of our current session and the onset of the new session, the DPS Baramulla fraternity expresses its heartfelt gratitude to the health and paramedic workers of District Baramulla for their hard work and support in fighting against the COVID-19 pandemic. Thank you for being our nation's guiding light in the face of this adversity. We sincerely feel indebted to our parents' community for its continuous support and cooperation. Without their hands together, the journey of the session appeared terrible. The chairman and the principal gratefully thanks all the members of the school staff and our beloved children for their commendable behavior, painstaking efforts and endeavors, undying zeal to maintain and promote the higher noble standards of DPS Society, New Delhi. Let's hope for a very enthusiastic and rewarding new session ahead.